अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है खुर्रम अंसारी। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ने बहुत तरक्की की है। आप देखना चाहते हैं तो जाए मिस्र में और वहाँ इंसान के बनाए हुए पिरामिड्स देखें, या फिर जाए दुबई में, वहाँ इंसान का बनाया हुआ बुर्ज खलीफा देखें, या फिर आए पाकिस्तान, यहाँ इंसान का बनाया हुआ सिल्क रोड देखें। लेकिन इसके बाद आती है कुदरत। जी हाँ, मेरे अल्लाह की कुदरत जो इस सारी तरक्की को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ, आज जिस जगह पे हम जा रहे हैं ये भी मेरे अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है, एक छोटी सी निशानी। तकरीबन 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली मैं पहुँचा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन वाटरफॉल, अम्ब्रेला वाटरफॉल। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी आंखों ने देखा वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा। और हाँ, मैंने ये वाटरफॉल पहली बार देखी है, इसलिए मैं इसको अभी तक सबसे खूबसूरत एक कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी आप खुद फैसला कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम है खुर्रम अंसारी। तकरीबन 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद, मोटरसाइकिल की ड्राइव के बाद, फाइनली आज मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जिसका मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अम्ब्रेला वाटरफॉल की, जो कि पिछले 1-2 सालों से काफ़ी फेमस हुई है पाकिस्तान में, और लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट थे उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है। तो हमने सोचा हम यहाँ से क्यों पीछे रहें, हम भी यहाँ पे जाके देखते हैं कि ये है क्या चीज़। जो रास्ता था वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के रास्ते पर ड्राइव करके आया हूँ बाइक पहाड़ों के बीच में, तो मैं थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अम्ब्रेला वाटरफॉल आ चुका हूँ। अभी मैंने बाइक जो है वो पार्किंग में लगा दी है और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने का जो रास्ता है ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। ये इधर जा रहे हैं, अभी तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे नीचे जाने में, और फिर वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या नज़ारे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल के। बड़ी दुनिया ही है यहाँ पे। तुमने सोचा चले भाई हम भी चलते हैं और वहाँ का व्लॉग बनाते हैं जाके, तो देख लें। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
बड़े मुश्किल रास्ते पार करने पड़ते हैं, फिर आप किसी ऐसी प्लेस पे पहुंचते हैं, किसी ऐसी मंजिल पे पहुंचते हैं जिसकी आपको तमन्ना होती है। तो इसी मंजिल को अपने रास्ता भाई जन बड़ा ख़तरनाक है नीचे जाने का, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ओह बिस्मिल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही किस साइड पे जाना है। पानी की आवाज़ आ रही है, पानी गिर रहा है पहाड़ों से, उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा किधर जाना है। अल्लाह खैर, अल्लाह नज़ारे बस अब चेक करें, पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत नज़ारे, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे। एक्चुअली आज मंडे है तो इतना रश भी नहीं है, कुछ ही लोग आए हुए हैं, बस मैं हूँ और कुछ 10-15 लोग और हैं। अभी रास्ते में तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, तो नीचे जा कर पता चलेगा कि कोई है वहाँ पे या नहीं। आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है पानी की, अल्लाह करे। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मज़ेदार लाते रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी तो भाई जान, फाइनली वाटरफॉल जो हमें नज़र आ चुकी है वो नीचे, और कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं फिर नीचे अल्लाह का नाम लेके और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं एक्चुअल में अम्ब्रेला वाटरफॉल किस तरह की नज़र आती है। अल्लाह अकबर, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। जब भी आप कभी भी नीचे की तरफ जाएं तो सुभानअल्लाह पढ़े लाजमी, और जब आप ऊपर की तरफ आएँ तो अल्लाह अकबर पढ़ें, रास्ता भी पार हो जाएगा आपका और आपको सवाब भी मिलेगा। कल इस साइड पे काफ़ी बारिश हुई है जिसकी वजह से जो रास्ता है वो काफ़ी स्लिपरी हुआ हुआ है। तो ये वाली जो स्टिक आप देख रहे हैं ये मैंने ऊपर से ली है, मैं तो नहीं ले रहा था लेकिन भाईजान ने मुझे दे दी, इसका 30 रुपये रेंट है इसका। तो अब मुझे पता चला कि मैंने एक अच्छा, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे सही गाइड किया, मैं नहीं ले रहा था, मैंने कहा यार क्या करनी है, लेकिन रास्ता बड़ा स्लिपरी है तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा 2-4 बातें आपको बता देता हूँ, मैं आपको पता होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं। ओहो भाई जान, नज़ारे भी चेक करें बस आप, यहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है ना आपको, बस अब आप देखते जाएं आगे आगे क्या क्या नज़र आता है आपको। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, शायद वो सामने आपको नज़र आ रहा है, पानी गिर रहा है नीचे, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा, दूर है, लेकिन औसम व्यू है यहाँ से, यकीन माने औसम। वाकई सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। अभी तो नीचे जा रहे हैं,
बात ये आपको बतानी है कि मैं एक्चुअली वाक एंड में रह रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो मैं वहाँ से बाइक पे आया हूँ। वैसे अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हैं तो गाड़ी इस पे आ रहे हैं तो मोटरवे बेस्ट है, मोटरवे यूज़ करके आप आएँ यहाँ पे। मेरे पास बाइक थी तो मैं हरिपुर वाकंड से मैं आया हूँ, हरिपुर हरिपुर से आके मैं आया हूँ हवेलियाँ, और हवेलियाँ से पहाड़ों के बीच में जो रास्ता आता है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है, सड़क बनी हुई है, कारपेट रोड बने हुए हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं थोड़ी सी इसमें भी एडिट करूँगा और उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा वर्चुअल। तो रास्ता मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि सड़कें खाली थी, साइडों पे पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे और बीच में आपका भाई अकेला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, इजीली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे बाइक पार्क किया, 50 रुपये पार्किंग के दिए हैं बाइक के, और ये 30 रुपये ये स्टिक का किराया। और भाईजान नज़ारे चेक करें आप, ओहो कमाल है यार, ये पहाड़ हैं जी, आपके चारों तरफ पे पहाड़ हैं और बीच में ये जी अम्ब्रेला वाटरफॉल है। ये थोड़ी सी चलें आपको दिखा देता हूँ, नज़र आ रही है आपको, बाकी नीचे जाके दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, इसे चेक तो करते हैं, चेक करते हैं कि जाता है नीचे या नहीं जाता है। लग नहीं रहा मुझे कि ये नीचे जाएगा रास्ता वहाँ पे, यहाँ पे यार ठंड है, फैसलाबाद में तो इतनी ठंड ही नहीं है, तो मेरा यहाँ पे आते थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, एक भी गुफा सी बनी हुई है यार। रास्ता तो है वैसे, लेकिन अब ये अल्लाह ओहो, ओहो ये चेक करें भाई साहब, बड़ा ख़तरनाक किस्म का रास्ता है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर, स्लिप होने लगा था, पता नहीं बचा लिए। पानी की आवाज़ जो है ना, यकीन करें दिल खुश कर रही है। ओहो माशाल्लाह, तो भाई जान ये रास्ता ठीक ही है जिस तरह से, ओहो नहीं ये रास्ता ठीक है, ठीक है ठीक है, ऐसा पथरीला है, ये स्टिक फ़ायदेमंद रही है मेरे लिए, अगर ये होती तो शायद मैं स्लिप हो जाता। अल्लाह यार मैं मोबाइल बंद करता हूँ, तो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, अब नज़ारे चेक करें बस। यकीन माने मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई स्वेयर कि मैंने आज तक इस तरह की इतनी खूबसूरत जगह ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। क्या बात है, जितनी मर्ज़ी इंसान जितनी मर्ज़ी बुलंदी इमारतें बना ले, जितने जितने मर्जी शीश महल बना ले, लेकिन जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बना दी है ना, उनका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में, यकीन करें एंड है, सुभान अल्लाह। नीचे चल के दिखाते हैं आपको, कल यहाँ पे बारिश हुई है, मैं बता चुका हूँ आपको, इतना शुक्र है कि आज धूप निकली हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम ठीक है। टाइम जो है वो तकरीबन 12 बज चुके हैं और यहाँ पे दिल तो मेरा करता है कर रहा है कि मैं यहाँ पे, मेरे पास टेंट होता तो मैं यहीं पे कैंप लगा के आज रात यहीं पे गुजारता और कल सुबह यहाँ से जाता, लेकिन
अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सामान भी नहीं है, टेंट भी नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक सकूँ। अल्लाह अकबर यार, क्या नज़ारे हैं यार, माशाल्लाह। अभी तो ये मैंने एक ही ऐसी जगह देखी है पाकिस्तान में इस तरह की, कम से कम, और नहीं तो हज़ारों प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा रह गया बस, इंशाल्लाह ये भी पार हो जाएगा। ये आवाज़ें पता नहीं कौन दे रहा है, ऐसे जाते हैं। ओ भाई जान, जिस तरह मैं आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल दिखा रहा हूँ, शायद ही आपने ऐसे पहले कभी देखी होगी। कंप्लीट इसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको जो इसकी रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में कैसी दिखती है। आवाज़ें कौन दी जा रहा है यार, ओहो माशाल्लाह। ये ले जी मेरे अल्लाह की शान, चेक करें, ये काले काले पत्थर हैं। ये है जी, ये चेक करें आप, ये उधर से पहाड़ों से पानी आ रहा है इस साइड से और इधर को जा रहा है, चेक करें आप, क्या कमाल की खूबसूरती है। बस यही कहूँगा कि सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, और इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। ज़रूर आए यहाँ पे, ज़रूर आए यहाँ पे। अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएँ यहाँ पे लाजमी आएँ, लाजमी आएँ यहाँ पे। ऑसम प्लेस। अभी मुझे एक्चुअल में उधर जाना है, उस जगह पे जहाँ पे अम्ब्रेला वाटरफॉल है, जो आपने वीडियोस में देखी है, पिक्चर में देखी है, वहाँ पे उस साइड में मैंने भी जाना है। ये तो कह लें कि एक झील टाइप है, उधर से पहाड़ों से पानी आ रहा है सारा, वो उधर से सारा इधर को जा रहा है, वो आगे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ी कम आए क्योंकि पानी का भी शोर है यहाँ पे, तो इग्नोर कीजिएगा, बस आप नज़ारे देखें, आप कुदरत के नज़ारे चेक करें। ये नहीं जी, वो सामने आपको नज़र आ रही है अम्ब्रेला वाटरफॉल, एक्चुअल में यही है अम्ब्रेला वाटरफॉल, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ के नज़ारे करवाते हैं। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आए हुए हैं। अभी ये पानी, अच्छा यार एक मसला है, एक्चुअली जो मोबाइल की स्टोरेज है ना वो मेरी फुल हो गई है, ओनली 1 GB जो है वो रिमेनिंग है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके वो मैं आपको कवर करके दिखा दूँ, जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है। तकरीबन जो था वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मैं आपको दिखा चुका हूँ, अब थोड़ी सी जो रह गई है मेन, जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो कुछ मैं सिनेमैटिक शॉट्स भी बना लूँगा, अगर वो मुझे ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, वरना फिर यही जो मैंने बनाई है यही आप देख लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार और लाजवाब किस्म की ये प्लेस है, लाजमी विज़िट कीजिएगा, लाजमी विज़िट कीजिएगा। पानी में भी कपड़े मंगा है, अरे
मौसम की वजह से यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं हैं। आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे आता कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, पिक्चर्स मैंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो आप भी लाजमी आइएगा, जब भी आपके शर्ट पे चक्कर लगे तो लाजमी आइएगा। मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है यार माशाल्लाह। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की ज़बरदस्त जगह देख रहा हूँ। यार मैं नहीं बयान कर सकता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है, आप बस देख लें। इस टाइम मैं पानी में हूँ, नज़ारे चेक कर लें बस आप। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई जान ने लिखा हुआ था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है, अमेजिंग। आप सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, मैं रियल में देख रहा हूँ, और मैं सुन हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ और मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो मर्ज़ी बना लें आप, बुर्ज खलीफा बना लें आप, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, आप एक बार यहाँ पे आएँ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। आपको शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन भाईजान मेरा जो पावर बैंक है जिससे मैं मोबाइल चार्ज करता था वो इस अम्ब्रेला वाटरफॉल में बह चुका है, और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी लो हो गई है, और अब मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। 15% मेरे मोबाइल की बैटरी है, और अगर मैंने और रिकॉर्ड की तो मोबाइल बंद हो जाएगा और मैंने घर भी वापस जाना है, कोई बंदों का एमरजेंसी फ़ोन भी करना पड़ सकता है। तो मेरी तरफ़ से माजरा, जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको दिखाया। बाकी अगर आप इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके लाजमी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है, बहुत कमाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यकीन जाने इससे खूबसूरत जगह आज तक मैंने नहीं देखी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।